उत्तराखंड राज्य में स्थित ऋषिकेश भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ऋषिकेश को इंडिया का एडवेंचर कैपिटल भी कहा जाता है। यह इंडिया में अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है, फिर चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो या बंजी जंपिंग या जिप लाइन, यह एडवेंचर लवर्स के लिए काफी शानदार विकल्प है। यहाँ आप वर्ल्ड के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक ही जगह पर कर सकते हैं। इंडिया में एक्सट्रीम एडवेंचर की श्रेणी में ऋषिकेश टॉप पे है और पूरे भारत से यहाँ एडवेंचर लवर्स डिफरेंट एक्टिविटीज करने आते हैं। ऋषिकेश में सबसे पॉपुलर एडवेंचर एक्टिविटी है रिवर राफ्टिंग। एडवेंचरस लोग ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग की भूमि के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह इंडिया में इस गतिविधि के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यहाँ पे वाटर राफ्टिंग की लेंथ 8 किलोमीटर से लेके 36 किलोमीटर तक है, जिसे 12 से लेके 65 साल का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऋषिकेश में राफ्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर से लेके मई तक। यहाँ वाटर राफ्टिंग करने की चार लेंथ है, जिसमें पहली है ब्रह्मपुरी से लेके ऋषिकेश, जिसकी लेंथ है 8 किलोमीटर। दूसरी है शिवपुरी से लेके ऋषिकेश, जिसकी लेंथ है 16 किलोमीटर। तीसरी है मेरीन ड्राइव से लेके ऋषिकेश तक, जो कि है 26 किलोमीटर की। और चौथी कौडिल्या से लेके ऋषिकेश तक, जिसकी लेंथ है 35 किलोमीटर। अगर आप ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए आते हैं तो यहाँ काफी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से आप राफ्टिंग कर सकते हैं। राफ्टिंग आप 8 किलोमीटर से लेके 36 किलोमीटर तक कर सकते हैं। ऋषिकेश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से आप राफ्टिंग की बुकिंग करा सकते हैं। ऋषिकेश में शिवपुरी को रिवर राफ्टिंग का मक्का कहा जाता है। सीजन के हिसाब से रिवर राफ्टिंग का प्राइस वेरी करता है। जैसे मई जून के टाइम में यहाँ काफी टूरिस्ट रिवर राफ्टिंग करने आते हैं, तो उस समय यहाँ प्राइस भी ज्यादा होता है। आप रिवर राफ्टिंग की बुकिंग ऑनलाइन भी करा सकते हैं। मिनिमम प्राइसेस 600 रुपए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पीक सीजन में ये 1000 रुपए तक भी हो जाता है। जिस राफ्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से आप बुकिंग करवाते हैं, वहीं से आपको कार में रिवर राफ्टिंग लोकेशन तक पहुंचाया जाता है। लोकेशन पे पहुंच के आपको एक कंसेंट फॉर्म फिल करना होता है। इसके बाद आपको सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट और हेलमेट पहननी होती है। उसके बाद आपका गाइड आपको रूल्स एंड गाइडलाइंस समझाता है। अगर आपके पास मोबाइल कैमरा और वॉलेट है तो गाइड के पास एक वाटरप्रूफ बैग होता है, जिसमें आप उसे रख सकते हैं। इसमें डाल दीजिएगा, अभी है बस। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, किस तरह आप राफ्टिंग में रोइंग करते हैं, किस तरह आपको बैठना होता है, किस तरह आप अपना सेल्फ रेस्क्यू करेंगे, सब बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट हमारे पास एक पैडल होता है, पैडल हमारे तीन भागों में डिवाइड है, टी, साफ एंड ब्लैक। आप इसे होल्ड किस तरह रखेंगे, थम डाउन फोर फिंगर अप, नेक चैन जस्ट नियर द ब्लेड, किस तरह आप इसे होल्ड रखेंगे। बैठना किस तरह होता है राफ्ट में, प्रॉपरली आउटराइट, आपको गेट इन साइड होना है, उसके अंदर बैठ जाना है। ये इमरजेंसी कमांड है, तब यूज होगा जब हमें पता लगता है कि हमारी बोट कहीं रॉन्ग साइड चला जाता है, जहाँ पर हमारे गिरने या पलटने के चांसेस होते हैं। जब बोट से बाहर गिर जाते हैं तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल नहीं। आपके पास एक बेस्ट लाइफ जैकेट है, कंटिन्यू आपको 72 घंटे तक फॉलो अप करके रखेगा, ठीक। थर्ड ऑप्शन हमारे पास थ्रो बैग होता है, अगर आप 10-15 मीटर दूर बह जाते हैं तो तब हम इस बैग को आपके पास थ्रो करेंगे। बैग का ये पार्ट हमारे पास रहेगा, पूरा बैग खुलता हुआ आपके पास आएगा, तो आप इसे होल्ड करना है, आपको मिलता जाएगा। पानी में गिरने के बाद आपको पोजीशन कौन सी लेनी होती है, फेस के बल पानी में नहीं रहना है, आदमी गिरता फेस के बल है, यू टर्न करने वाले और बैक फ्लोटिंग में लेटा रहना आपको पानी में, ठीक है ना। रिवर राफ्टिंग करने के लिए आपका मिनिमम वेट होना चाहिए 40 kg और मैक्सिमम वेट होना चाहिए 100 kg, और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 14 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60। और अगर आप हार्ट और एस्थमा पेशेंट है तो ये एक्टिविटी आपको सजेस्ट नहीं की जाएगी। नदी के तीन अलग अलग हिस्से 9 किलोमीटर से लेकर 26 किलोमीटर तक राफ्टिंग के लिए खुले हैं। इन हिस्सों में ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 रैपिड्स है, इसलिए चाहे आप हार्डकोर एडवेंचर की तलाश कर रहे हो या आप शुरुआत कर रहे हो, ऋषिकेश में राफ्टिंग सभी के लिए एक आइडल स्पोर्ट है। राफ्टिंग का अनुभव क्लिफ जंपिंग और बॉडी सर्फिंग के अवसर भी प्रदान करता है। ऋषिकेश में राफ्टिंग सुबह 7 बजे से लेके शाम को सनसेट तक की जाती है। रिवर राफ्टिंग का सबसे पीक सीजन है मई से लेके जून तक। अगर आप ऋषिकेश घूमने आते हैं तो आपको रिवर राफ्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया से यहाँ रिवर राफ्टिंग करने ही आते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।